फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका 22nd वीक स्टार्ट हो गया है, अब आपके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं वो यूजली सेटल कर जाते हैं और अब आप अपने प्रेगनेंसी के पीरियड को एंजॉय करने लगते हो। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि 22nd वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, इसमें आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है और जो डैडीज हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी। देखिए, आपके बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हर वुमेन में अलग अलग होते हैं। जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको डिस्टर्ब करते हैं वो यूजली सेटल हो जाते हैं और प्रेगनेंसी का ग्लो डेवलप होने लगता है। जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से आपके बालों की थिकनेस अच्छी हो जाती है, आपकी स्किन शाइन करने लगती है, आपके नेल्स शाइनी होने लगते हैं। ये सब प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। काफ़ी सारी फीमेल्स को ब्रेस्ट चेंजेस भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि कई बार ब्रेस्ट से सिक्रीशन आने लगता है जो उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है, इससे वो टेंशन में आ जाती हैं। लेकिन इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्रेस्ट से सिक्रीशन आ रहा है ये एकदम नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है डिलीवरी के बाद आपके बेबी को फीड कराने के लिए, इसलिए ये सारे चेंजेस होते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि आपके बेबी का साइज बढ़ता है, आपके यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो आपका यूट्रस अम्ब्लाइकस तक अच्छे से आ जाता है और पैल्पेट भी होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, बेबी का साइज 10 इंचेस के बराबर हो जाता है, बेबी का वेट लगभग 400 से 450 ग्राम्स के बराबर हो जाता है, बेबी का फेस अच्छे से डेवलप हो जाता है, बेबी की आईज जो होती है यानी कि देखने की क्षमता अच्छे से डेवलप हो जाती है, बेबी आंख बंद करके भी लाइट और डार्क को महसूस कर सकता है, बेबी की जो हियरिंग पावर है वो भी अच्छे से डेवलप हो जाती है, बेबी आपकी हार्ट बीट को अच्छे से सुनता है और उस पर डांसिंग मूवमेंट्स भी कर सकता है। जब बेबी मूव करता है तो आपको एब्डोमिनल मूवमेंट्स पता चलते हैं, बेबी के मूवमेंट्स पता चलते हैं यूजुअली। और क्या चेंजेस होते हैं, देखिए बेबी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छे से मैच्योर होने लगते हैं, बेबी का लिवर अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि वो मैच्योर धीरे धीरे करके अच्छे से होने लगता है। अब बात करते हैं आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है। देखिए, इसमें आपको दो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि अगर आपको अनवांटेड हेयर्स रिमूव करने हैं तो उसके लिए आप वैक्सिंग करा सकते हो, शेविंग कर सकते हो, लेकिन कभी भी ब्लीच का यूज़ नहीं करोगे और जो हेयर रिमूवल क्रीम्स आती हैं उसका यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए आपको ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सेकेंडली, अब जैसे जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो आपको थोड़ी सी बैलेंसिंग प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको हाई हील्स बिल्कुल भी नहीं पहननी है, आपकी हील्स 2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप सडनली कभी भी गिर ना जाओ। इस चीज़ का ध्यान रखो कि हील्स ज़्यादा नहीं पहनो। अब ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको न्यूट्रिशियस डाइट ज़रूर लेनी है प्रेगनेंसी में, जिससे कि आपको और आपके बेबी को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। एक इम्पॉर्टेंट फूड बताती हूँ जिसमें कि बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, रामदाना, जिसको लोग चलाई भी बोलते हैं। अगर आप ये लेते हो तो इसमें बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, लगभग 18 अमीनो एसिड्स इससे आपको मिल जाते हैं, साथ में हाई अमाउंट ऑफ फाइबर भी इसमें होता है, बहुत सारे कैल्शियम इसमें होता है। तो आप प्रेगनेंसी में अपना डेली 1 या 2 से लड्डू की फॉर्म में इसको खा सकते हो, या फिर इसका पाउडर करके आटा बना के इसका रोटी या फिर पराठा खा सकते हो, या चिक्की बना सकते हो गुड़ डाल के। तो आप 1 से 2 लड्डू डेली प्रेगनेंसी में खाओ, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा और प्रोटीन्स तो बहुत ही अच्छा अमाउंट में इससे मिलता है। तो आप इसको ज़रूर लो, अपनी डाइट में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए खास टिप थी इस वीक से। साथ ही में अब डैडीज को क्या एडवाइस फॉलो करनी है। देखिए, जैसे जैसे मॉमीज की प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका मूड स्विंग्स भी बढ़ने लगता है, तो आपको उनके मूड स्विंग से परेशान नहीं होना है, आपको उनको इमोशनली काम करना है, उनका हमेशा साथ देना है, उनको हम अच्छे से समझाना है, अगर वो डिस्टर्ब भी हो रही है तो अच्छे से काउंसिल करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको उनके साथ में स्पेंड करना है। साथ ही साथ में जो चाइल्ड बर्थ की क्लासेज हैं वो भी मॉमीज़ के साथ में आप भी अटेंड कर सकते हो, जिससे कि आपको पता रहे कि डिलीवरी के बाद आपको कैसे बेबी को हैंडल करना है, डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको भी थोड़ा आइडिया रहेगा, तो जो नर्वसनेस रहती है वो कम रहती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना कि 22nd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपका बेबी कैसे डेवलप होता है, इसमें आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
बाकी सारी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।